समझना होगा और हमें साथ साथ बढ़ना होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब इस मुहिम में जुड़ेंगे और आप में से कुछ शायद इसे जिंदगी भर चलाएंगे और आप में से कुछ ऐसे भी होंगे आने वाले दिनों में होंगे जो इन्हें हमारी आपकी जिंदगियों के बाद भी चलाएंगे। संस्था रहे ना रहे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मैं आप रहूं इसकी कोई संसार में लिखित गारंटी है कि ऐसा नहीं है, लेकिन एक चिंतन जो आ गया है वो रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। वो चिंतन हमेशा रहेगा, बस हमें और आपको ये कोशिश करनी होगी कि जितनी दूर तक अपने अपने तरीके से इस चिंतन को फैला सकते हैं फैलाएं। यही शायद इस दिन का तोहफा होगा और यही शायद मेरी आपकी मित्रता का सुंदर तोहफा होगा। धन्यवाद और सदोश। क्या ही खूबसूरत बातें। आज जिस तरह से ओमा दाक ने आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत किए, मैं इसमें एक छोटी सी बात ये कहता हूँ, जब तीन देश के साइंटिस्ट इकट्ठा हुए, यूएसए के, जापान के और इंडिया के, लोगों ने आपस में कहा कि साहब कि हमें एक ऐसी चीज़ बनाना है, दुनिया को दिखाना है कि हम सबसे काबिल हैं, तो अमेरिका ने बाल से भी ज़्यादा बारीक एक रॉड बना दिया। लोगों ने हैरत किया, तो जापान के साइंटिस्ट से पूछा गया साहब आप क्या कर सकते हैं, तो उसने उस बाल के अंदर होल कर दिया उस साइंटिस्ट ने। इंडिया को बड़ी परेशानी हुई कि अब क्या करें, उसने मेड इन इंडिया का मोहर लगा दिया उस पर। बहुत आसान, ये चरित्र अभी उसी तरफ इशारा किया कि हमारा चरित्र बहुत गिर गया है, हम चरित्र का अपलिफ्टमेंट करें। हमारे चरित्र जब तक उठेगा नहीं ऊपर, हम सब कुछ अपने को पिछड़ जाएंगे। बहरहाल हमारे लिए ये इज्जतमाप रहे, हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा के स्रोत रहे ओमा दाक। अब मैं, हालांकि मकबूल हसन साहब सिर्फ दो लफ्ज के लिए यहाँ पर आएंगे, क्योंकि हालांकि ये डेकोरम के थोड़ा सा खिलाफ जा रहा था, क्योंकि दो चार मिनट के अंदर ही ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, मैं चाहूंगा कि आप अपने तासुरात जरूर बयान करें प्लीज। मेरा आदाब, और इस मौके पर उमा जी को उनकी सालगिरह पे बहुत बहुत मुबारकबाद। बातें इतनी हो चुकी हैं कि मुझे कहने के लिए कुछ बचा भी नहीं है, लेकिन उमा जी के बारे में मैं इनको बचपन से जानता हूँ और ये मेरे मोहल्ले के पड़ोस में ही रहते हैं, और जब से मैं इनके संपर्क में आया हूँ मैंने इनको इस तरह देखा है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रंग के भेदभाव के, वो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन खुद भाई साहब क्या नाम है, उन्होंने आपसे खूबसूरती मांगी है, लेकिन उसका भेदभाव उनके अंदर कुछ भी नहीं, वो सबको एक समान देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी विशेषता इनकी रही है और इसी ने मुझे मुतासिर किया कि एक ऐसा शख्स जो हमारे बीच में है, हम क्यों ना उसकी बातों को आगे बढ़ाएं और उस पर हम भी अमल करें। कभी ये सितारा जो चमक रहा है, ये शख्सियत, ये किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं रही है, शुरू से ही इनके विचार काफ़ी ऊँचे रहे हैं। इनकी बातों से मुतासिर होकर एक वाक्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे ही इलाके में एक हॉस्पिटल है जहाँ जो चैरिटी से चलता है, मैं भी उसका एक मेंबर हूँ। वहाँ पे कभी एपिडेमिक पीरियड आता है तो वहाँ पे बगैर पैसे के सबकी इलाज किया जाता है, और चूँकि उमा जी ने ज़कात का भी तस्करा किया तो वो इलाज ज़कात के फंड से किया जाता है। एक दिन की बात है कि मैं गया तो वही पीरियड था, और उस पीरियड में हम लोग रोज़ जाते हैं और देखते हैं कि व्यवस्था कैसी चल रही है, क्या आवश्यकता है। तो एक औरत अपने बच्चे को लेकर इधर से उधर दौड़ रही थी और उसका बच्चा जो है उसकी गर्दन झुक गई थी, गैस्ट्रो का वो पीरियड था, गैस्ट्रो का वो शिकार था, तो उसकी गर्दन नीचे की तरफ लटक गई थी। उस औरत से मैंने पूछा क्या बात है, तुम परेशान हाल दिख रही हो, तो उसने कहा कि भैया हम यहाँ पे काफ़ी देर से इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं
और हमारे सामने बहुत से बच्चे आए, लोग आए बच्चों को लेकर, उनका इलाज हुआ, हमें हमारी कोई बात नहीं सुनता है। मैंने कहा अच्छा तुम आओ मेरे साथ। मैं उसको लेके ऑफिस गया, वहाँ पे जाके मैंने पूछा कि भाई क्या बात है, ये औरत ऐसी बात कह रही है कि काफ़ी देर से ये परेशान है, अपने बच्चों को लेकर दौड़ रही है और देखने से भी लगता है कि ये बीमार है, क्या वजह है कि इसका इलाज नहीं किया जा रहा है। तो उन लोगों ने बताया कि जो भी इलाज इस वक्त चल रहा है वो ज़कात के फंड से चल रहा है और ये नॉन मुस्लिम है, ये दुश्वारी है। हमने कहा इस्लाम ने कहीं इंसानियत की मदद की को मनाही नहीं की है, ये आपने कैसे सोच लिया? आप कम से कम अगर किसी गैर मुस्लिम की नहीं मदद कर सकते तो इंसान की तो कर सकते थे, क्या ये इंसान भी नहीं था, क्या इंसान का बच्चा ये नहीं था? आप पहले इसका इलाज कीजिए और उसके बाद अगर आपके पास ऐसी दिक्कत है कि इसको आपके पास ऐसा फंड नहीं है कि जो इस पर आप खर्च कर सकें तो मुझसे ले लीजिएगा, लेकिन आप पहले इसका इलाज कीजिए। उसको फौरन ड्रिप लगाई गई और एक घंटे के बाद मैं वहाँ पर था, उससे मैं मिला और वो औरत जो है उसने कहा कि आप जो है मुझे आपने जो जैसे शुक्रिया और मदद की जो आपने बात की, तो उसने मुझे जो है दिल से दुआ दी। शुक्रिया में जो है शुक्रिया का लफ्ज आप शुक्रिया से कहें, एक्चुअली उसका जो भाव है वो दुआ से है कि वो मेरे हक में कुछ, उसके दिल से वो कुछ मुझसे कहे भी ना लेकिन उसके दिल से दुआ निकलेगी और वही दुआ मेरे काम आएगी। और मदद की जो बात होती है, मदद आप अगर स्वार्थ के लिए कहते हैं तो मदद ही नहीं है। अगर मदद शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो वो निस्वार्थ ही रहता है, उसमें उसको व्याख्यान करने की या वो उसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है कि किसी स्वार्थ के बगैर किया जाए, वो मदद वही होती है। और जिसकी भी मदद की जाएगी उसके दिल से दुआ निकलेगी निकलेगी, वो चाहे शब्दों से लफ्ज़ों से ज़बान से वो शुक्रिया अदा करे या न करे। तो ये एक वाक्या मेरे दिल में याद आ गया, मेरे जहन में याद आ गया, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। और उमा जी के लिए मैं ये बात इतना कह सकता हूँ कि इन्होंने जिस तरह से अपने पैगाम को, अपने विचार को, और विचार जो होता है ये इसको फैलाने की और कहने की या लोगों को बताने की आवश्यकता होती है, और विचार ही सब कुछ है। और ये जो संस्था होती है ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ लोग इकट्ठा हो सकें, इसलिए उसे मजबूत करना ताकि उस प्लेटफॉर्म पर मजबूती से लोग खड़े हो सकें ये ज़रूरी है, वरना असल चीज़ जो होती है वो विचार होती है, और विचार ही जो है वो जीवित रहेंगे, वही लोगों तक पहुँचेंगे, वही लोगों के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। संस्था परिवर्तन नहीं ला सकती, संस्था सिर्फ प्लेटफॉर्म का काम करेगी, उसे मजबूत बनाना चाहिए, ये हम आप सबका काम है। और मैं इनके लिए दुआ करूँगा कि ये ऐसे ही आगे ज़िंदगी में अच्छे काम करते रहें। और एक शेर मैं इनके लिए मुझे याद आ रहा है कि अब मैं उम्र के एतबार से ये मेरे लड़के की उम्र के हैं इसलिए मैं लड़का शब्द इस्तेमाल करूँगा, वो इसको अन्यथा न लें। कई शहर में एक लड़का बिल्कुल है गज़ल जैसा, फूलों सा बदन उसका खुशबू से अदाएँ, तो वो अपनी खुशबू को बिखेरता रहे तो और लोगों से लोग उससे प्रभावित होते रहें और लाभान्वित होते रहें। इसी के साथ में अपनी बात, अभी आपने एक बड़ा ही हार्ट टचिंग एक स्टोरी सुना, बड़ी नसीहत आमेज़, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि अपने संकुचित विचारधारा से ऊपर उठ करके हम सब ब्रॉड माइंडेडनेस की तरफ जाएं, तभी हम कल्याणकारी सोच रख सकते हैं। बिल्कुल आखिर में बस इसको हम सब पैंड अप करते हुए, ये आज पूरा प्रोग्राम लक्ष्मण दास जी द्वारा प्रस्तावित था, उन्होंने ओमादाक के लिए जो एक सेलिब्रेशन रखा था, ये विचारों का सेलिब्रेशन आज हम सब इकट्ठा होकर के यहाँ हम सब ने मनाया। मुझे उम्मीद है कि आप सब तक पहुंचा होगा, आप सबके दिलों तक उतरा होगा ज़रूर से। और मैं इस उम्मीद के साथ कि हमारे अभी बहाउद्दीन सिद्दीकी साहब, जिन्हें बहार भाई के नाम से लोग जानते हैं, ऐसी अपनी बातें कह के धन्यवाद ज्ञापित करें ताकि हमेशा ही हम सब बहार के बीच में रहें, यानी विचारों का बहार हमेशा देखते रहें। इमरान हसन बीच में से आपसे रुख्सत लेता है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात आप सबसे होगी।
आरक्षण स्थापना दिवस के शुभ अवसर पे तमाम इस शहर के गणमान्य व्यक्तियों का मैं ओमादी हक के तरफ से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। हमसे पहले बहुत सारे लोग इस मंच पे आए और हक के लिए, ग्रेट ओमा के लिए और माजी में जो भी चीज़ें इस शहर में, इस मुल्क में और दुनिया में घटी और हक के द्वारा हम लोगों को इंसानियत के लिए, मानवता के लिए किस तरीके से अपनी बातों को पहुंचाना है। मकबूल हसन साहब ने अभी बड़ी प्यारी सी बात कही यहाँ पे, लक्ष्मण दास जी ने अपनी बातों से, अपनी तकरीर से नुमान हसन साहब और इसी तरीके से जितने लोग भी हमारे बीच में आए सब ने हक के बारे में, और अभी ओमा जी ने कहा कि नेताओं की ये खसलत होती है कि वादा करते हैं और गायब हो जाते हैं। तो जब इस किस्म का हक की जानिब से कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है तो वो खालिस रूहानी एतबार से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है, ना कि पॉलिटिकल एतबार से। और आप तमाम हजरात इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जहाँ भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का रहनुमा, जहाँ भी कोई सियासी पार्टी का प्रोग्राम होता है, जाहिर सी बात है कि वहाँ पे लाख वो ईमानदारी करें लेकिन थोड़ी बहुत बेईमानी तो आ ही जाती है। लेकिन ये हक जो है ये बेईमानी का मंच नहीं है, और इसके जितने भी मेंबरान हैं उन सभी ने आज तकरीबन 8-10 साल से ये एक ओथ ली है, कसम खाई है कि हमारा जो भी काम होगा सोसाइटी के तरक्की के लिए होगा, सोसाइटी के खुशहाली के लिए होगा, और हम वो काम करेंगे कि दुनिया में हक के ज़रिए हम एक नई तहरीक चलाएंगे, हम हक के ज़रिए एक नया इनकलाब लाएंगे। ताकि अभी हमारे तमाम वक्ता रह रहे कि इस बात को कह रहे थे कि आदमी तो मर जाता है लेकिन इनकलाब जो वो पैदा करता है वो कायम और दायम रहता है। वो उस वक्त तक कायम और दायम रहता है जब तक दुनिया कायम रहेगी, तब तक हक का नाम भी कायम और दायम रहेगा। हम इस आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर आप तमाम आए हुए हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और अब के लिए मैं अपनी शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि अब किस ये ओमा जी के लिए भी है, अब के लिए भी है कि सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊँगा। खुदा हाफिज़। इसी के साथ मैं अपनी बात करूँगा।